चलिए इसमें 15 kg मटन ये डाल दिया गया है। यहाँ पे बनता है मटन अट्ठे, देवघर का फेमस डिश होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का स्वाद है, क्योंकि काफी बेहतरीन होता है यहाँ के लोगों का कहना है। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए कढ़ाई के अंदर चला गया ये सरसों का तेल। लगभग 1 kg में 300 ग्राम सरसों का तेल यहाँ पे डाला जाता है। ये तेल गर्म होगा, इसके बाद इसमें डालिएगा ये हिंग, हिंग का पानी, हिंग का पानी। तो चलिए तेल डालने के लिए इसके अंदर ये डाल दिया गया हिंग का पानी, भैया डाल रहे हैं। चलिए इसमें 15 kg मटन ये डाल दिया गया है और इसको डायरेक्ट तेल में डालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मटन है इसमें पहले। चलिए मटन जाने के बाद इसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च और तेजपत्ता चला गया है। भैया ये मटन अट्ठे कैसे स्टार्ट किए थे आप? ग्रुप में देख देख के सीखे। अच्छा, फ्रेंड सर्किल में तो। अच्छा, आप यही सीखे ये? हाँ। तो ये आपका मतलब होटल है? ये मनीष कुमार का। अच्छा, आपके फ्रेंड का है जी। तो यहाँ का डिश आप सीखे उसके बाद बनाना स्टार्ट किए। तो देवघर में और कहीं मिल रहा है ये? ये मैंने देवघर का ही स्टाइल है। ये देवघर का स्टाइल हुआ मटन बनाने का? हाँ, मटन अट्ठे जो है ये देवघर में ही है ना, और कहीं नहीं बनता है? नहीं बनता, शुरू यहीं से हुआ। यहीं से हुआ, अब हर जगह बनने लगा अब है ना, हर जगह। तो इसका खासियत क्या होता है? इसमें देखिए कोई घी में, सिर्फ घी में बनाता है, कोई लहसुन प्याज नहीं डालता है। जैसे इसमें हम प्याज डालेंगे लेकिन लहसुन नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो चीज़ कितना है कि लहसुन प्याज भी डालता है, सब अपना अपना हिसाब से बनाता है, जिसको जैसे बनता है उसे बनाता है। लेकिन ये घी इसमें पड़ता है? हाँ, हम है ना तेल घी दोनों डालते हैं, दोनों मिक्स करके डालते हैं। हाँ। अच्छा, आप टेस्ट के लिए काम करते हैं? तो चलिए ये देखिए मटन जो है अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गया और इसमें जाने के लिए आ गया घी। घी जाएगा फिलहाल मटन के अंदर अभी। ये देखिए यहाँ पे ये फ्राई हो गया है लगभग, उसके बाद इसमें जाएगा ये सभी मसाला। इधर टमाटर आ गया, प्याज आ गया और अदरक देखिए कूट के रखे हुए हैं, बारीकी से उसको कूटा गया है। ये जाएगा और इसके अंदर भी मसाला है, इसके अंदर ये सभी जाएगा अभी इसके अंदर। तो चलिए फाइनली देखिए इसमें प्याज चला गया है। तो भैया 1 kg मटन में सिर्फ 200 ग्राम प्याज आता है? 200 ग्राम प्याज। तो यहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में प्याज यूज किया जाता है, सब कुछ क्वान्टिटी के हिसाब से पड़ता है इसमें। हाँ जी। अच्छा भैया ये घी डाल दिए इसके अंदर जी? तो चलिए ये देखिए लगभग 250 ग्राम घी डाले इसमें भी। 250 ग्राम घी डाला गया है, अदरक का कुटा हुआ पेस्ट डालने के बाद। तो चलिए इसके अंदर जो है टमाटर चला गया, उसके बाद लाल मिर्च, हल्दी, जीरा का पाउडर और धनिया का पाउडर, चार मसाला टोटल चला गया है। और उसके बाद कलर देखिए कितना बेहतरीन आ गया, देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सिर्फ फ्राई करके मटन बनाया जाता है और खुशबू काफ़ी बेहतरीन आ रहा है इस मटन का। तो चलिए ये देखिए लगभग 45 मिनट बाद भैया चला रहे हैं इसको और ये मटन बन के हो चुका है रेडी लगभग। और इसका कलर देखिए कितना बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन, मतलब देखते ही खाने का मन करने लगेगा ऐसा। देखिए पूरा के पूरा नली छोड़ दिया है, हड्डी छोड़ दिया है, ये नली छोड़ दिया है, तो ऐसा होना चाहिए मटन। तो चलिए फटाफट आप प्लेट लगवाते हैं। तो चलिए ये देखिए फाइनली अपना ये मटन अट्ठे बन के हो चुका है रेडी, कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। तो चलिए इसको अभी टेस्ट करते हैं हम। ये देखिए ये सीना का पीस हो गया फट्टी वाला और ये नली का पीस, ये कपटी में ही यहाँ पे सर्व किया जाता है। और ये पत्ता के ऊपर चावल का क्वालिटी ये होता है। और ये पूरा के पूरा प्लेट जो होता है 2 पीस मटन चावल 180 रुपया का। तो चलिए इसको मिला लिए हैं चावल के साथ ग्रेवी को, इसको ऐसे खाएंगे। ये देखिए ये आया, बेहतरीन है। ये आ गया नली वाला पीस, काफ़ी टेस्टी बना हुआ है। तो चलिए इस वीडियो के यहाँ पर शाम करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।